गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 7 का थर्ड वीडियो है जिसमें हम संयोजी ऊतक की कुछ विशेष जो ऊतक होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और उसमें आता है नंबर 1 पे आता है उपास्थि। तो उपास्थि होती क्या है? तो हम कह सकते हैं कि शरीर के ऐसे ऊतक जो कोमल, लचीले तथा मजबूत होते हों, उन्हें क्या कहते हैं? हम उपास्थि कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर हम इनकी उपस्थिति देखें तो हमारी नाक में होती है, ठीक है। इसके अलावा कान में होती है और शरीर के अन्य भागों में भी पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी संरचना देखें तो संरचना क्या होती है, ठीक है ना। तो संरचना में अगर हम बात करें इसकी, तो बेटा इसमें उपास्थि जो होती है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं जो इनको बनाने वाली होती हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइट, ठीक है ना। और कॉन्ड्रिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन तो इसमें लचीलापन देता है, ठीक है ना। और कॉन्ड्रियोसाइट ये कोशिकाएं होती हैं जो किसको बनाती हैं? उपास्थि का निर्माण करती हैं। इसके अलावा इसी में क्या होती है? अस्थि दूसरे नंबर पर आती है। क्या? अस्थि। तो बेटा अस्थि को हम बोलते हैं बोन। क्या होती हैं अस्थियां? तो मैं आपको बता दूं कि उपास्थि ही आगे चल के अस्थि में रूपांतरित होती है। तो अस्थि है वो मजबूत, कठोर संरचना होती है जिसमें लचीलापन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मैंने आपको बताया कि उपास्थि जो होती है ना, यही किसमें बदल जाती है? आगे चल के अस्थि में बदलती है। अब क्यों बदलती है? उसका रीजन होता है कि उपास्थि का जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में पाए जाते हैं क्या? कोलेजन तंतु। और इसी कोलेजन तंतु, इस मैट्रिक्स में कैल्शियम के और फास्फोरस के, या कैल्शियम के हम कह सकते हैं, कैल्शियम के लवण जमा हो जाते हैं। और कैल्शियम के लवण जैसे ही जमा होंगे, उपास्थि है वो धीरे धीरे अस्थि में बदलना प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के लवणों के जमा होने से ये अस्थि है वो कठोर होना प्रारंभ हो जाती है। और धीरे धीरे क्या होती रहेगी? कठोर होती रहेगी और अंत में उपास्थि है वो अस्थि में बदल जाती है। और इसमें जो प्रोटीन होता है अस्थि में, उसका नाम है कौन सा? ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन होता है। और ये ओसिन प्रोटीन क्या करता है? अस्थि के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये होते हैं। और आप जानते हैं कि अस्थि जो होती है वो खोखली होती है अंदर से, और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है उसे कहते हैं अस्थि मज्जा कहते हैं। और ये जो अस्थि मज्जा होता है ये अस्थियों को सूखने से बचाता है, ठीक है ना। अस्थियों को क्या करेगा? सूखने नहीं देता है,
साथ साथ में हम कह सकते हैं कि अस्थि को सूखने से बचाएगा, प्लस यही अस्थि मज्जा रक्त का निर्माण भी करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये था। अब मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट है, अगला अस्थि हो गया, अस्थि हो गया, अब आता है रक्त। रक्त तो बेटा रक्त का यहाँ पे बनेगा, चार्ट बनेगा एक, उस चार्ट को देख लीजिए आप। रक्त तो बेटा रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक होता है। इस रक्त के दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, एक तो होता है रक्त प्लाज्मा और एक होती है रक्त कणिकाएं। रक्त प्लाज्मा में ये तो होता है 55% और ये होता है 45%। रक्त प्लाज्मा में मुख्य रूप से जल जो होता है ये 90% होता है। इसके अलावा इसमें कार्बनिक पदार्थ जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन आदि होते हैं। इसी के साथ साथ इसमें होते हैं अकार्बनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम, ओके। इसके अलावा इसमें होता है मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम हो गया, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा होते हैं, और कुछ मात्रा में इसमें होती है यूरिया, यूरिया भी होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं इसमें। कौन कौन सी? एक तो होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। इनको हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इनको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, उसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आरबीसी के बाद अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी दो तरह की होती है, एक तो होती है कणिकामय और एक होती है अकणिकामय। कणिका में भी तीन प्रकार की होती है अभिरंजक के आधार पर। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ये तीन होते हैं। और अकणिका में है वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट वापस से क्या होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो ये रक्त का संगठन होता है जिसको हम, एक चैप्टर आएगा आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, उसमें आपको ये डिटेल से बताएंगे, ठीक है। और अभी तो हमने केवल इसका चार्ट पढ़ा है, अगला जो हम देखेंगे
वो क्या करेंगे हम इसमें इन्हीं को हम चार्ट को डिटेल से हम उसी चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। ओके।